ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की पांच बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के IAS ऑफिसर निधि चौधरी के विवादित ट्वीट से बवाल मचा हुआ है। निधि चौधरी ने ट्वीट के जरिए गांधी जी के दुनिया भर में लगे पुतले हटाए जाएं, रास्ते पर दिया उनका नाम हटाया जाए और गांधी जी के नोट पर लगी फोटो भी हटाई जाए और गोडसे को शुक्रिया लिखा। इस ट्वीट से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई। निधि चौधरी नवी मुंबई के महानगर पालिका में एडिशनल कमिश्नर हैं। इस ट्वीट पर बवाल बढ़ा तो निधि चौधरी ने 17 मई को ट्वीट डिलीट कर दिया। एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने इस ट्वीट के लिए तत्काल महाराष्ट्र सरकार से कार्रवाई की मांग की है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर इन महाराष्ट्र निधि चौधरी फॉर हर ट्वीट विद एन एक्सेप्शनल सेलिब्रेशन ऑफ 150th बर्थ एनिवर्सरी ईयर इज गोइंग ऑन। हाई टाइम वी रिमूव हिज फेस फ्रॉम आवर करेंसी, हिज स्टैच्यूज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। Rename institutions, roads named after him. That would be a real tribute from all of us. Thank you, Godse. 30/01/1948. This is Nidhi Chaudhary's tweet on our Facebook, Twitter, everywhere. We, as per rules and regulations, she has insulted, whose name has been highlighted in the with respect in the Constitution, who is known to be the father of the nation. Whose name is taken in respect, with respect, in America, in South Africa, across the globe. All leaders after 1947 have referred him to be the idol whom they worship. And here is the IAS officer who demands and gives respect to Godse and says that he should be out of the currency. We demand her immediate suspension. ठाणे शहर में विकास के नाम पर मनपा ने वृक्ष प्राधिकरण समिति द्वारा 3527 वृक्षों की कटाई मंजूरी मिलने पर पर्यावरण प्रेमियों और शहर के लोगों में नाराजगी है। लोगों ने मनपा के खिलाफ विरोध किया। इस विरोध में पेड़ों से लोग चिपक कर खड़े रहे और पेड़ों को प्रतीक स्वरूप राखी भी बांधी गई। अनिर्बंध बेसुमार वृक्षतोड करण्याचा निर्णय केलेला आहे तेव्हा तेव्हा ठाण्यातील कार्यकर्ते उभे राहिलेले आहेत, पण प्रत्येक वेळी कार्यकर्त्यांना काहीतरी आश्वासन द्यायचं आणि नंतर बिल्डरकडून पैसे घ्यायचे अशा प्रकारे तडजोडी करत ठाणे महापालिकेने झाडं तोडण्याचा कार्यक्रम चालूच ठेवलेला आहे। यानंतरही जर अशा प्रकारे झाडं तोडणार असतील तर न्यायालयात जाऊन देखील आम्हाला काही न्याय मिळालेला नाही अशी आमची भावना झालेली आहे आणि अशी इकडच्या झाडांची देखील भावना झालेली आहे आणि म्हणून झाडं आता रस्त्यावर आलेली आहेत। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर साक्षी महाराज ने फिर विवादित बयान दिया है। जय श्री राम बोलने पर 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। विवाद पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ममता बनर्जी की तुलना हिरणा कश्यप से की है। कहा कि ममता हिरणा कश्यप के खानदान की हैं। बंगाल की जब बात आती है तो त्रेता याद आता है। एक राक्षस राज था हिरणा कश्यप, उसके बेटे ने कह दिया था जय श्री राम, तो बाप ने बेटे को जेल में बंद कर दिया था। बहुत सारी यातनाएं दी थी और वही दोहराया जा रहा है बंगाल में। तो लगता है कि हिरणा कश्यप के खानदान की तो नहीं है ममता, जय श्री राम कहने वालों को यातनाएं दी जा रही हैं, जेल में भेजा जा रहा है। परिणाम ये हो गया कि ये स्थिति बन गई बंगाल में, जय श्री राम कहने से वो खिसियाने लगी, गालियाँ देने लगी, सड़क पर उतरने लगी और उसके विरोध में पता नहीं क्या क्या योजनाएं बनाने लगी। हरियाणा के पानीपत का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जो एक सरकारी स्कूल की 8वीं कक्षा की लड़कियों से खाना बनवाया जा रहा है तो कोई बर्तन भी धो रही है, यानी खुलेआम शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ जहाँ बेटियों को शिक्षित करने की बात कही जा रही है तो वहीं शिक्षा की मंदिर में इनसे रोटियां बनवाई जा रही हैं। भाई ये काम बिल्कुल निंदनीय है और मैंने बीओ साहब को, बीओ बापोली को जांच करने के लिए कह दिया है और अभी जो है वो वहाँ गए हुए रास्ते में है और उस बारे में कड़ा एक्शन लिया जाएगा। नहीं करा सकते भाई, जो उसके लिए कुक लगा रखे, कुक नहीं, बर्तन साफ देखेंगे होते और खाना भी नहीं बनाना होता है,
ये तो बिल्कुल प्रकार से कुकों की सबसे भारी लापरवाही है प्रकार की। उन्होंने अपने अपने उसमें कार्य में कोताही बरती है, निश्चित रूप से एक्शन लिया जाएगा। मुजफ्फरनगर के रोहाना स्थित टोल प्लाजा पर 5 कारों में 2 दर्जन से ज़्यादा बदमाश टोल प्लाजा पर मारपीट की और तोड़फोड़ की। टोल कर्मी का कॉलर पकड़कर टोल कर्मी के साथ मारपीट की गई, मगर इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। टोल कर्मी विकास की शिकायत पर 2 दर्जन से ज़्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ये विकास उर्फ कार्तिक एक एम्प्लॉई है रोहाना टोल प्लाजा पर, इसने थाने पर FIR दर्ज कराई। 5 गाड़ियों में सवार अज्ञात 20-25 लड़के, इन्होंने करीब 12 बजे के आसपास आकर टोल पर मारपीट की है। इसकी चोट आई है, इसका मुकदमा लिखा गया है, तफ्तीश की जा रही है, दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।